सुप्रभातम छात्रों, आज हम सप्तम कक्षा विषय संस्कृत पाठ क्रमांक 2 क्रोधी मंडूकः कथा यह देखेंगे। इस कथा में हम लंग लकार के जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का समावेश है और उन क्रियाओं के जो रूप है उनको भी हम देखेंगे। कथा यह क्रोधी मंडूक पाठ कथा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कथा यह हमें ज्ञान देती है, हमें विविध गुणों अवगुणों का बोध कराती है। तो कथा यह ज्ञान एवं प्रेरणा के लिए ही बनी हुई है कथाएं। तो हम यहाँ पर क्रोधी मंडूक इस कथा से एक गुस्से में मेंढक के हम यहाँ पर कथा देखेंगे। पुंडरीक नाम के कूपे एक क्रोधी मंडूक अवसर। पुंडरीक नाम के कुएं में एक गुस्सेला यानी कि क्रोधी ऐसा मेंढक रहता था। अवसर यहाँ पर यह जो क्रिया है अवसर, यह क्रिया लंग लकार की क्रिया है यानी कि भूतकाल की क्रिया है। अवसत यह भूतकाल की क्रिया है, अवसत यह भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो वह जो गुस्सेला क्रोधी मंडूक था, मेंढक था, वह पुंडरीक नाम के कुएं में रहता था। एकस्मिन दिवसे अन्य मंडूकैः सह तस्य कलह अभवत। एक दिन दूसरे मेंढकों के साथ उसका झगड़ा हुआ। कलह अर्थात झगड़ा, झगड़ा हुआ। प्रतिशोधार्थम सह कूपात बहिः आगच्छत् और प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना से वह जो है कुएं से बाहर आ गया। सह विषधरेण कृष्ण सर्पेण सह पुनः कूपम अगच्छत् और वह जो क्रोधी मंडूक था, मेंढक था, वह विषधरेण जिसने विष को धारण किया है ऐसा कृष्ण सर्पेण कृष्ण सर्प के साथ वह जो क्रोधी मंडूक था, मेंढक था, वह फिर से कुएं में आ गया। सर्पः कूपे अवसत् और सांप भी कुएं में रहने लगा। सह क्रमेण शत्रुं मंडूकान् अखादत् और वह एक एक करके क्रम से शत्रु मेंढकों को खाने लगा, उनका नाश करने लगा। यदा सर्वे शत्रवः नष्टा अभवन् जब सारे शत्रु नष्ट हो गए, सारे के सारे शत्रु मेंढक मर गए, तब तदा मंडूकः सर्पं बहिः गन्तुम् अकथयत्। तभी जो है मेंढक सांप को कुएं से बाहर जाने के लिए कहता है। सर्पः अवदत् तभी सांप ने कहा अधुना अहम् न गच्छामि। तभी सांप ने कहा कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तत्पश्चात सह मंडूकम् अपि अभक्षत् और उसके पश्चात उसने उस गुस्सेले क्रोधी मंडूक मेंढक को भी उसने क्या किया, खा लिया। उक्तम च और कहा भी है क्रोधः स्वस्यैव नाशकः। क्रोध जो है खुद का ही नाश करता है, इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् विनश्यति। तो इसलिए छात्रों हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से जो है हमें जो है हमारा बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है और जितना हो सके उतना संयमता से एवं धैर्यता से काम करना है। और यदि हम किसी भी चीज पर क्रोध करते हैं तो उसका विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर अवश्य ही होता है। इसलिए इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें क्रोध नहीं करना है। और यहाँ पर लंग लकार की क्रियाओं का भी हमने रूप देखा। अवसत वसत
धातु है, वस धातु में अवसत अवसतम अवसत अवसह अवसतम अवसत अवसम अवसम अवसाव अवसम। तो इस प्रकार से हम लंग लकार की क्रियाओं को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब संस्कृत में वाक्य बनाने हो या फिर हमें संस्कृत में किसी से बातचीत करनी हो तो हमें ये जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की सहायता लेकर ही हम उन्हें वाक्य बना सकते हैं। तो लंग लकार की क्रियाएं इस प्रकार से है, और शब्दार्थ मंडूकः मेंढक कलह झगड़ा विषधर विष को धारण करने वाला कृष्ण सर्पः काला सांप स्वस्यैव खुदकाहि प्रतिशोधार्थं बदला लेने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो शब्दार्थ है ये इन शब्दार्थों को भी हमें याद करना है। धन्यवाद।